सत श्री अकाल दैनिक सवेरा देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। चंडीगढ़ के सीएम भगवंत मान के नाल हिंदू संगठन के आगुआ के वलों अहम मीटिंग की गई। सारी मीटिंग सुखावे माहौल के संपूर्ण हुई। दरअसल मंदिर के हुई चोरी और होर मुद्दों से इस दौरान चर्चा की गई। साबका मंत्री भारत भूषण आशू की वधी न्यायिक हिरासत, 5 सितंबर तक न्यायिक हिरासत के ही किया गया वादा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर घोटाले मामले के भारत भूषण आशू को ईडी ने किया गिरफ्तार। एमपी हरसिमरत कौर बादल ने विदेश मंत्री एस जय शंकर को लिखा पत्र। कतल के पुलिस हिरासत के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दो स्वरूपा की रिहाई का मुद्दा उठाने की की अपील। गैंगस्टर रमनजीत सिंह रोमी को नाभा की अदालत में पेश किया गया। पुलिस पार्टी रोमी को सवेरे 3 बजे लैके आए और 4:30 बजे उन्होंने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी यूनियन के चोणों लिए मंगी गई मंजूरी को हरी झंडी दे दी है। पीयू के विद्यार्थी यूनियन दोणों लिए 5 सितंबर को वोटा होनिया ने। पीयू नाल संबंधित शहर के कालजा भी 5 सितंबर को होगी वोटिंग। जलंधर के गांधी विनीता आश्रम तो वड्डी खबर निकल के सामने आई, जिथे आश्रम के बंद चोरी नशा तस्करी और कतल के शामिल 7 लड़कियां ने भजन की कोशिश की। हालांकि आश्रम दियां कंधां उच्चियां होण कारण लड़कियां भजन के असफल रहियां, पर इस दौरान उन्होंने महिला होमगार्ड को गंभीर रूप के जख्मी भी किया। जिला फतेहगढ़ साहिब की लोहा नगरी मंडी गोविंदगढ़ विखे गऊ रक्षा दल दे वल्लों एक जम्मू एंड कश्मीर नंबर ट्रक दे विच गऊ मास फड़न का मामला सामने आया, जिस तो बाद गऊ रक्षा दल दे वल्लों थाना मंडी दे विच गोबिंदगढ़ के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। थाना डिवीजन नंबर 1 अधीन पैंदी मकसूदा मंडी नेड़े देर रात हिंदू संगठन के मैंबर ने 3 व्यक्तियों काबू किया, जिस तो बाद काफ़ी हंगामा होया। मामले की जानकारी देंदे हुए हिंदू संगठन के आगू ने कहा कि उन्होंने पिछले 8-10 दिनों तो गऊ तस्करी के मामलों की जानकारी मिल रही थी। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों लगातार गिदड़बाहा हल्के का दौरा किया जा रहा है। इस जिले के तहत वह फिर गिदड़बाहा पहुंचे, जिथे उन्होंने बुजुर्गों के नाल मुलाकात की और वीडियो भी साझी की। 6 सितंबर को रिलीज़ हो रही हिंदी फिल्म एमरजेंसी रिलीज़ होने तो पहला ही विवादा के घिरती हुई नज़र आ रही है। कंगना रनौत के वलों निर्देशित फिल्म एमरजेंसी के सिखा की भूमिका उत्ते सवाल भी उठाए जा रहे हैं। SGPC वलों और अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने इस वापस लैन के लिए सरकार को पत्र लिखे। नेपाल दे विच एक वड्डा हादसा वापरिया, जिथे 40 यात्रियों लैके जा रही एक भारतीय बस तहालकू जिले विच तेज वह रही नदी दे विच जा डिगी। हादसे दे विच 14 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार ने 156 दवाइया की फिक्स रेट कैंबीनेशन उत्ते पाबंदी लगा दी है। इन्हां विच एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक अते मल्टीविटामिन शामिल। पंजाब अते हरियाणा दे विच अगले 5 दिन बारिश रहन की संभावना जताई गई है। तस्दीकी अज भी चंडीगढ़, जीरकपुर, मोहाली, राजपुरा, पटियाला समेत कई इलाकों के बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह ही बने रहेगा। पीएम मोदी हाल के पोलैंड गए सन, जिथे उन्होंने कबड्डी फैडरेशन के प्रधान मिकल स्विस्के नाल मुलाकात की थी। कबड्डी भारत और पोलैंड को नेड़े लियाउण दा वधिया जरिया बन गया। बदलापुर विखे एक स्कूल के लड़कियों के नाल जबर जनाह के मामले को लेकर महाराष्ट्र विकास अगाड़ी ने 24 अगस्त यानी कि कल को महाराष्ट्र बंद का सद्दा दिता है। यह फैसला बुधवार को हुई मीटिंग दौरान लिया गया। नेपाल जा रही भारतीय बस नदी के जा डिगी। बस के 40 यात्री सवार सन, जिन्हों के 14 की मौत हो गई है, जबकि बाकी यात्रियों को हस्पताल भर्ती करवाया गया। कोलकाता मामले के पंजाब के 11 दिनों तो चल रही हड़ताल हुई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसे तो बाद लिया यह फैसला। हड़ताल खत्म होने मगरों डॉक्टर परते अपने कामों में। सीबीआई ने कोलकाता केस के मुलजम संजय राय को आज अदालत में पेश किया, जिथे अदालत ने मुलजमान का रिमांड सीबीआई हवाले कर दिता है। अदालत ने संजय राय का 14 दिन का लिया रिमांड। जल ते संभाव विभाग ने जल संभाल प्रीख्या लिए संबोधन WCD उत्तर कुंजी जारी की है। उम्मीदवार अज रात 11:55 उत्ते जड़ी उत्तर कुंजी ते इतराज उठा सकते। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की प्रीख्या अज तो शुरू हुई। यह प्रीख्या उत्तर प्रदेश के 60 केंद्रों तो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे ते ने, जिस तों बाद यूक्रेन पहुंचे। उत्थे राष्ट्रपति वलदिमीर जेलेंसकी दे नाल उन्हां दे वल्लों मुलाकात की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंसकी दे मोढ़े ते हथ रख्या अते उन्हां दे नाल गंभीर चर्चा भी की। दोवें नेता यूक्रेन के राष्ट्रीय अजायब घर दे विच पहुंचे, जिथे दोवां ने रूस अते यूक्रेन की लड़ाई ते मारे गए बच्चियां नूं श्रद्धांजलि दित्ती। प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे, जिथे उन्होंने वालों सब तो पहला महात्मा गांधी की मूर्ति को फुल पेंट किए गए। यह मूर्ति 2020 महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर बनाई गई थी। हिंसक प्रदर्शन के कारण हुई तबाही तो बाद बंगलादेश दे विच इस समय गंभीर हड़ संकट का कारण जिहड़ा लोग सामना कर रहे हैं। लगातार मीह कारण जमीन खिसकण अते पानी भरन दीआं वख-वख घटनावां दे विच एक परिवार के 3 मैंबर समेत 9 व्यक्तियों की मौत हो गई। ब्राज़ील उन्हां एशियाई नागरिकां दे दाखले ते पाबंदी लगाउण जा रहा है जो अमरीका ते कनेडा जाण लई इस दक्षणी अफ्रीकी देश दी करदे सन वरतों। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन दी थां इक चोटी दे अमरीकी अधिकारी ने तिब्बती धार्मिक आगू दलाई लामा नाल कीती मुलाकात। 99 साल दलामी लामा 28 जून नूं गोडे बदलन दी सफल सर्जरी तो बाद न्यूयॉर्क जा रहे हैं। नेपाल दे विच अज शुक्रवार नूं एक भारतीय यात्री बस दे नदी दे विच डिगण कारण 11 लोगों की मौत हो गई। हादसा तनुंगल जिले के आयल पहाड़ा दे विच होया। ब्रिटिश यूट्यूबर माइल्स एक बार फिर सुर्खियों के विच ने, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भारतीयों का उड़ाया मजाक। लोगों ने नस्ली टिप्पणी लई कीती सख्त आलोचना। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया मंच टिकटॉक से पाबंदी कुछ शर्तों के नाल हटाई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रधानगी दे विच होई मंत्रिमंडल की बैठक दौरान कुछ शर्तों के नाल टिकटॉक से पाबंदी हटाने का किया है। अमरीका पुलाड़ एजेंसी नासा ने ऐलान किया है कि स्पेस स्टेशन तो सुनीता विलियम्स अते विलमोर की वापसी ते शनिवार तक पक्का फैसला होने की उम्मीद है। कल उन्हां दी वापसी लई कीता जाएगा। यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्तमान दे विच फैल रहे रूप तो बेहतर सुरक्षा लई नवे कोविड-19 टीके दे संकट कालीन वरतों नूं दित्ती मंजूरी। मीनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर खान के नाल सांझे कीतिया खूबसूरत तस्वीरां। ब्याह तो बाद एक कपल वख-वख जगह ते घूमते हुए आ रहे ने नजर। सोनम बाजवा ने सांझे कीतिया तस्वीरां। सोनम बाजवा ने खूबसूरत तस्वीरां सांझे कीतिया ब्लॉक ब्लैक कपड़ियां दे विच बिखेरिया अपना जलवा। अमरिंदर गिल ने चल मेरा पुत दी टीम दे नाल रल के गाया दिलदारिया गीत। सारिया ने कीता खूब मस्ती। पंजाबी गायक गैरी संधू ने अपने बेटे अवतार संधू नाल खूबसूरत वीडियो की सांझी। गैरी अपने बेटे दे नाल प्यार करते हुए आए ने। ये रिश्ता क्या कहलाता है दे नाम कमाउण वाले मोहसिन खान नूं दिल दा दौरा पिया, जिस तों बाद उन्होंने एक्टिंग तो दूरी बनाई हुई है। हॉलीवुड फिल्म हैंगओवर दी मशहूर अदाकारा नाथाली फेय ने मुक्किया दे नाल भन्निया बॉयफ्रेंड दा चेहरा। पुलिस ने कीता गिरफ्तार। प्यार हसी अते मस्तियां तो भरी जवानी बानुशाली अते आशिक गुलाटी दी फिल्म कहां शुरू कहां खत्म दा ट्रेलर होया रिलीज़। नगवाल प्रोड्यूसर के ई जनावल राजा ने फिल्म नूं पुराणिक अते असल कहानी दा रूप दिता। दर्शक कर रहे ने काफी पसंद। फरहान अख्तर दा नवा गीत सिंगल रिच फॉर द स्टार्स 29 अगस्त नूं होवेगा रिलीज़। फरहान अख्तर कलाकार दे नाल नाल एक वधिया गायक भी हन। मीनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर खान के नाल सांझे कीतिया खूबसूरत तस्वीरां। ब्याह तो बाद एक कपल वख-वख जगह ते घूमते हुए आ रहे ने नजर। इंग्लैंड अते श्रीलंका विचाले मानफेस्टो दे विच 3 मैचों की टैसट सीरीज का पहला टैसट मैच खेडिया गया। श्रीलंका ने पहला बल्लेबाजी करते हुए 236 दौड़ा बनाइया। जवाब दे विच दूजे दिन ही खेड खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपने पहली पारी दे विच ही विकटा ते 269 दौड़ा बना लिया। भारत अते इंग्लैंड विचाले टैसट मैच 2026 दे विच लंडन दे लॉर्ड्स स्टेडियम दे विच खेडिया जाएगा। यह पहला मौका होगा जदों मशहूर लॉर्ड्स स्टेडियम महिला टैसट मैच की मेजबानी करेगा।
इंदिरा नूई का 6 साल का कार्यकाल पिछले महीने खत्म होने कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कौंसल ने नवी महिला स्वतंत्र निर्देशक की भाल शुरू कर दी है। समझा जाता है कि ICC बोर्ड ने पहला ही नूरी वर्गे उच्च प्रोफाइल नाम की भाल शुरू कर दी, जो कि कारपोरेट जगत में सब तो चर्चित चेहरों के विचों एक है। इंग्लैंड के महान गेंदबाज स्टार्ट ब्रांड ने हैरी ब्रूक की तारीफ की थी। साबका खिडारी ने नौजवान बल्लेबाज को इंग्लैंड का नवा जो रूट दसिया। उन्होंने कहा कि दोवों विचकार तकनीकी समानतावां अते काफ़ी चर्चावां मिल रही हैं। भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने खुलासा किया है कि 2 साल पहला आस्ट्रेलिया के महान खिडारी शेन वॉक की मौत से उन्होंने गहरा सदमा लगा सी। कुलदीप ने कहा कि जदों वारन की मौत हुई तो उन्होंने अपने परिवार के मैंबर गवाउन का एहसास होया। हवाबाजी रेगुलेटरी DGCA ने टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया से 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एयर इंडिया ने गैर क्वालिफाई क्रू मैंबर के नाल उड़ान भरी सी। RBI वालों महीने की शुरुआत के छुट्टियों की सूची जारी की गई। शनिवार यानी 24 अगस्त तो लगातार 3 दिन के लिए बैंक बंद रहेंगे, जिस समय जेकर तुहाड़ा कोई जरूरी काम है तो समय रहिंदे निपटा लो। RBI ने उन्होंने समस्या का हल कर दिता है। जिवें ही फास्टैग बैलेंस निर्धारित सीमा तो घट हुंदा है, पैसे अपने आप गाहक के बैंक खाते तो फ्लिप दे विच ट्रांसफर हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट ने ग्रेन होम अपलायंस सेल का ऐलान किया है। ग्राहकों को बहुत घट कीमत से इलेक्ट्रॉनिक समान मिलेगा। सेल 26 अगस्त तो शुरू होगी। राफा बाजार के सोने की कीमत का जोड़ा अज नवा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 68,800 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,240 रुपए दर्ज की गई। इस ही चांदी 92,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब के बिक्री हुई नजर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।